नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सुबह से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है शेयर बाजार के लिहाज से देखा जाए तो। अब कहीं जाके एक पॉजिटिव न्यूज मिली है और वो है विप्रो। विप्रो के दोस्तों आज क्वार्टरली नंबर्स आने थे जो आ चुके हैं और दमदार नंबर आए हैं। जैसे बाकी लार्ज कैप आइडिया परफॉर्म कर रही हैं, उसी प्रकार विप्रो ने भी परफॉर्मेंस दिखाई है। विप्रो के नंबर्स की बात करें दोस्तों अगर, तो दमदार नंबर आए, एक्सपेक्टेशंस को बीट कराए। पहले TCS, HCL Tech, देन इन्फोसिस और अब फाइनली विप्रो। अब एकमात्र लार्ज कैप कंपनी रह गई है टेक महिंद्रा, उसको और क्लोजली वॉच करना है कि वो कैसा प्रदर्शन दिखाती है। बट आज IT सेक्टर शुरुआत में तो अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, तेजी में रहता है, लेकिन धीरे 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 वहां भी सेलिंग आ जाती है। एक भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा हो, सब गिर गए। FMCG और IT इंडेक्स दो ऐसे सेक्टर थे जिनमें केवल नाम का लाल निशान था, बड़ी गिरावट नहीं थी, ये बड़ी अच्छी बात थी। अब IT स्टॉक्स की बात करें अगर, तो विप्रो के रिजल्ट्स पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। 557 रुपीज पे विप्रो क्लोजिंग देता हुआ दिखाए, 2.79% की गिरावट है। चाहे वो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, TCS हो, टेक महिंद्रा हो, ये चारों स्टॉक मैंने आपके साथ गिरावट में खरीदने के लिए बोला। आप सभी को बहुत सारे रीजंस दिए, जिसने होल्ड करा, पेशेंस रखा, वो आज हैप्पी है, पैसा बना रहा है, और जिसने ट्रोल करा, बेचा, नेगेटिविटी फैलाई, वो खुद परेशान है, और जो उन लोगों से इन्फ्लुएंस हुए वो भी परेशान है। शेयर बाजार में कॉन्ट्रा कॉल लेना अपने आप में बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब बड़ी मुश्किल से चीजें होती हैं। अगर मैं आपके साथ कोई तेजी वाले शेयर में सावधानी कर रहा हूं, तो मेरे को पता है कि मेरे को कितनी ट्रोलिंग झेलनी पड़ सकती है, और मंदी वाले स्टॉक में तेजी कर रहा हूं तो मुझे पता है कितने लोग नेगेटिव बोलने आएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि बड़ा पैसा दोस्तों तभी बनता है जब आप गिरावट में अच्छे शेयर को खरीदते हो और तेजी में बेचते हो। अगर मैं बात करूं इन्फोसिस की, तो आपको तो अच्छे से पता है हमने 1200, 1250, 1400 पे पैसा बनाया है, खरीद के बैठे हैं और अब पैसा बना रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, ये जो ब्रोकरेज हाउसेस है ना, जो बाजार के महानतम लोगों में आते हैं, जिनका काम ही है सिर्फ रिपोर्ट निकालना, उन्होंने इन्फोसिस को 1200 रुपए पे डाउनग्रेड करा था, 1150 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं। ये तो सिर्फ लोगों के साथ खेलने वाली बात है कि कोई चीज 1200 पे ऑलरेडी आप 1150 रुपए के लिए इतना नेगेटिव बोल दो, तो वो खिलवाड़ था। और आज A to Z ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट रिवाइज हो रहे हैं अपवर्ड। आज भी एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट अभी मैं पढ़ ही रहा था, जहां पे उन्होंने कहा है कि इन्फोसिस को जो है ना, हमने $18 से BMO, इन्होंने $18 से टारगेट बढ़ा के $23 का कर दिया, और आज इन्फोसिस 1840 हो गया है। अब मेरे को बताओ 1200-1800 में कितना फर्क है? आप कहोगे इतना है उतना है, 50% तक का। आज 1800 से डबल होगा तो 3600 होगा, और जिसने 1200 पे लिया उसका 3 गुना होगा, तो ये 100% हो गया। ये जितनी जल्दी ले लिया जाए ना, कंपाउंडिंग खेलती है फिर दोस्तों, समझने की कोशिश करो। 1800 से जब डबल होगा तो 3600 का होगा, और जब आपका 1200 से जिसने लिया है उसका 3 गुना पैसा हो गया, मतलब डबल और ट्रिपल का फर्क पड़ गया। अभी भी मैं यही कहूंगा कि आप बैठे रहिएगा, एका डेंट पड़ सकता है बाजार के साथ, वो उस डेंट में खरीदने के मौके ढूंढिएगा। विप्रो ने भी सारा दिया है। अब मैं आपको विप्रो के नंबर्स बताऊं, तो 2835 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 3003 करोड़ का हो गया है, शानदार है। रेवेन्यू 22200 करोड़ से घटकर 21960 करोड़ का है, हल्की सी डिप आई है, अनुमान से ये भी काफी बेटर है। मार्जिन 15.94% से बढ़कर 16.48% पे आए हैं, अनुमान से बेटर है, अनुमान 16.4% का था, तो ये भी बेहतर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े हैं, अनुमान को भी बीट करा है। अगर बात करूं एबिट की, तो 3540 करोड़ के सामने 3621 करोड़ पे आया है, हालांकि अनुमान यह 3642 करोड़ का था, तो 20 करोड़ से अनुमान से कम रह गया है। बट ओवरऑल देखा जाए तो विप्रो के नंबर्स को भी हमें थम्स अप ही देना चाहिए, नेगेटिव मेरे को यहां भी कुछ नहीं दिख रहा है। विप्रो में अब क्या लेवल निकल के आ रहे हैं वो एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। विप्रो की बात करें तो आज तो ऊपर से पूरे IT के साथ इसमें भी गिरावट आई है, रैली इसमें भी बनी है जैसे बाकी स्टॉक्स में बनी है। 530 मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में स्टॉक ब्रेक करेगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको कहां लेना है, क्या करना है, मैं ये बोलूंगा जिसने ले रखा है वो 525 का स्टॉप लॉस लगा ले,
जो ले रहा है वो भी 525 का स्टॉप लॉस लगा ले। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने उसके नजदीक लेते हो। आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को क्या वहां के आसपास मिलेगा शेयर या नहीं, वो आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि करंट लेवल से खरीदने को बोल दो 525 के स्टॉप लॉस के साथ तो स्टॉप लॉस दूर हो रहा है, और अगर यहीं से ऊपर चला गया तो लोग कहेंगे भाई आपके चलते ले नहीं पाए। तो आपकी मर्जी है भैया, आपको सूटेबल स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, उसके कितना दूर ले रहे हो कितना नजदीक ले रहे हो वो आपके रिस्क रिवॉर्ड पे है। बट मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में 525 स्टॉक जल्दी ब्रेक करेगा, और ब्रेक करता भी है तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। 480 के आसपास आप एक साल का नजरिया बनाएं, निवेश करें 600 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।